प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी ने बुधवार को बीएससी कार्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एडी बेसिक कार्यालय तथा डायट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दो महिला कर्मी परियोजना अधिकारी रंजना गुप्ता तथा लिपिक कामिनी सिंह बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाई गई, जिस पर बेसिक शिक्षा के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी दोनों कर्मचारियों के एक दिन के वेतन को रोकने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री को कस्तूरबा विद्यालय बीएससी ऑफिस में भवन मरम्मत आदि की आवश्यकता बताई गई, जिस हेतु मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश की बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी ने कहा, कुछ जगहों की आप व्यवस्था में मिली मैं हमारे जो यहाँ पर कार्यालय है, एडी बेसिक है, डायट है, बीएससी ऑफिस है, कस्तूरबा है, उनके निरीक्षण पर गया था। थोड़ा वहाँ की व्यवस्थाएँ देखना चाह रहा था, तो बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। कस्तूरबा की बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है, उसके मरम्मत की आवश्यकता है, आज देखा हूँ और उसका प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा हूँ ताकि विशेष मरम्मत वहाँ की कराई जा सके। बीएससी ऑफिस में भी कुछ टूट फूट की शिकायतें थी, उनकी मरम्मत हो रही है। कुछ और ज़रूरतें आज पता चली हैं निरीक्षण में, तो सबका प्रस्ताव मांगा हूँ, प्रस्ताव आएगा और हम दो व्यवस्था ठीक कराएंगे। डायट में क्लासरूम की आवश्यकता थी, पिछले दिनों हम लोगों ने धन दिया था, वहाँ चार नए क्लासरूम बनने जा रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों को देखने गया था। कर्मचारियों क्या स्थिति रही सर? ठीक रहा, ज़्यादातर लोग उपस्थित थे। बीएससी ऑफिस में बीएससी तो हाईकोर्ट के केस के मामले में इलाहाबाद थे, लेकिन दो कर्मचारी बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को वेतन प्राप्त नहीं।